अनोखी पेंटिंग की ये प्रदर्शनी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी है। हैबिटेट सेंटर में कोलकाता के सीमा आर्ट गैलरी की पेंटिंग प्रदर्शनी में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वामपंथी राजनीतिक विचारधारा को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है, जो कि शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। केरल के उभरते हुए कलाकारों को सीमा आर्ट गैलरी ने मौका दिया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी केरल से ही सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने किया। थरूर भी इस प्रदर्शनी से बेहद प्रभावित नजर आए। सीमा आर्ट गैलरी की संयोजक राखी सरकार चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शनी का दीदार करें। अच्छा आर्ट तो अच्छा होता है, या ये केरला का आदमी किया या कहीं और किया, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे हिंदुस्तान में एक छोटा सा प्रदेश से इतने अच्छे आर्टिस्ट और इतने अच्छे पेंटिंग्स आ रहे हैं, तो हमको नोटिस करना चाहिए कि केरला आर्ट में कुछ हो रहा है आजकल। 2.5 years लगाए ये एग्जीबिशन माउंट करने के लिए। कलकत्ता में दिसंबर में ओपन किया था और अभी दिल्ली में आए, तो हम लोग थोड़ा सा आशा करेंगे कि दिल्ली के जो सब प्रेमिक है, शिल्प प्रेमिक, उन लोग आएंगे और केरला के शिल्प को लेके इतना बड़ा एग्जीबिशन रिसेंटली तो नहीं हुआ है। इस प्रदर्शनी में देश भर के मशहूर कलाकारों के साथ ही साहित्यकारों ने भी शिरकत की।